करेंगे हनुमान आसन, जिसे मंकी पोज भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है और इस अभ्यास को स्टूडेंट्स और यंगस्टर ने जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जिन लोगों को डीप बटक सिंड्रोम की समस्या होती है, हिप्स में पेन, कुल्हों में दर्द की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास है। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजिशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजिशन पर ऐसे आना है। कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे सांस अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाइए। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे राइट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने लेफ्ट पैर को भी बिल्कुल सीधा करते हुए और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले अपने नीचे से तकिया रखकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए और फिर धीरे धीरे ऐसे जमीन पर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे रख लेते हैं। आपका पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। सांस अंदर भरते हुए पीछे या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए कम से कम 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक ऐसे ही मंकी पोज की पोजिशन पर रहते हैं। दोस्तों यह अभ्यास महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास होता है। सांस अंदर भरते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाइए, सांस अंदर भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं और फिर ऐसे प्राणायाम और फिर इसके बाद अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट करें। 5 से 10 सेकंड तक रुकने के बाद फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे दूसरी साइड से करें, सांस अंदर भरते हुए पीछे और फिर इसके बाद ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आइए। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सांस अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे लेफ्ट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। आपका पैर बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरह रहे। और ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर या फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट के साथ ही सभी हाथ को कीजिए। ऐसे अपने पैर को ऐसे मोड़ लें और फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। अपने पैर को ऐसे मोड़ लें और फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हिला लेते हैं, ऐसे दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने धोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन ऐसे अपने घुटने पर लगाते हुए सांस अंदर भरते हुए सीधे